यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड लाइव। खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त, जहां पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचने वाले हैं। आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और लखनऊ कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से बात भी करेंगे। बैठक के बाद अमित शाह सीएम आवास भी जाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद अमित शाह मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग जाएंगे और अमित शाह और सीएम योगी के साथ बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंच रहे हैं। आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और साथ ही यहां पर पार्टी कार्यालय में, लखनऊ कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से बात करेंगे और साथ ही यहां पर बैठक उनकी ओर से की जाएगी कार्यकर्ताओं के साथ में। बैठक के बाद अमित शाह सीएम आवास जाएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री के साथ में बैठक भी अमित शाह की ओर से की जाएगी। तो आज लखनऊ के दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जहां पर 2019 चुनाव से पहले जो है उनका ये लखनऊ दौरा अहम माना जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, आज अमित शाह आ रहे हैं लखनऊ के दौरे पर, करीब कितने बजे पहुंचेंगे लखनऊ? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। करीब 12:30 बजे उनका समय दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पहुंचेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से बात करेंगे। भाजपा के पदाधिकारियों ने और सरकार के बीच में जो तालमेल चल रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी चल रही है, उसको लेकर पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अभी आगामी एमएलसी चुनाव होने वाले हैं 26 तारीख को, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत करेंगे, पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलग देखा जाए तो दलित जो सांसद है उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ नाराजगी चल रही है, उस पर समाधान पर वो चर्चा करेंगे जी। एक और सबसे अहम मामला है जिस पर हमेशा जरूर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाना है, मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाना है। कुछ ऐसे मंत्रियों की सरकार से छुट्टी हो सकती है, उनका कार्य बहुत संतोषजनक नहीं है, उनसे कार्य से उनकी जनता खुश नहीं है, कार्यकर्ता खुश नहीं है और विकास के रास्ते पर वो सही नहीं उतर रहे हैं। तो इसको लेकर भी एक बात होगी। इन तमाम चर्चाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास ले जाएंगे और खासकर वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और हालिया जो भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर का नाम गैंगरेप मामले में आया है, उस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के पर भी सांसदों ने कई कार्यकर्ताओं की तरफ से और खासकर ओम प्रकाश राजभर जो सहयोगी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके तरफ सरकार को आरोप लगाया जा रहा है कि सुनी नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, वहां योगी आदित्यनाथ से लंबी चर्चा करेंगे, तो ये लंबी फेरिस्त लेकर आ रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, सांसद और विधायकों में नाराजगी झलक रही है, जो बार बार लेटर बम के तौर पर शिकायत कर रहे हैं, तो उनका समाधान करने के साथ ही एमएलसी चुनाव को फाइनल करके निकलने का पूरा है और मुख्यमंत्री आवास से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। अखिलेश, काफी अहम जो है अमित शाह का ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि नाराजगी जो है वो भी चल रही है सरकार की, कई सरकार के अंदर भी नाराजगी है क्योंकि विधायक कई नाराज हैं, मंत्री जो है वो नाराज हैं, लेकिन इसके साथ ही 2019 के चुनाव को देखते हुए भी काफी अहम इस दौरे को माना जा रहा है। बिल्कुल, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य आजकल कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी में खासकर जो उनके निर्णय लिए जाते हैं उन पर किसी को भी आपत्ति नहीं होती, सीधे मोहर लगी जाती है। जब चुनावी प्रक्रिया में जब भी कहीं कहीं का भी चुनाव सामने आता है तो उसमें अमित शाह की जो रणनीति तैयार की जाती है उसी पर उस प्रदेश का संगठन आगे बढ़ता है और उसी रणनीति के तहत संगठन के पदाधिकारी उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव और आज किसी भी राज्य के चुनाव की अगर बात की जाए तो अमित शाह की जो रणनीति तय की गई है वो उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के लिए वो एक ही तरह से निर्देश दिए जाते हैं, उसको संगठन अमल करके उसको रिजल्ट में परिवर्तित करता है जी। अवंतिका, अखिलेश, इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि जो दलित सांसद हैं जो नाराज चल रहे हैं, क्या उनसे मुलाकात जो है विशेष करेंगे अमित शाह?
अवंतिका आपको बता दें कि अमित शाह का जो लखनऊ दौरा है उसमें दलित सांसदों से विशेष तौर पर अलग से मिलने का कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। अमित शाह का जो कार्यक्रम रखा गया है कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वो आएंगे, उसमें दलित सांसद शामिल हो सकते हैं, दलित विधायक शामिल हो सकते हैं, दलित कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो मीटिंग रखी गई है उसमें अमित शाह जो बैठक करेंगे उसमें सभी तरह के पदाधिकारी और सांसद विधायक शामिल होंगे और उनसे वो अलग से बात करेंगे। तो इसलिए कहे कि ताकि उनकी नाराजगी को दूर किया जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 2019 में होना है, किसी तरह से अमित शाह नहीं चाहते हैं कि ये नाराजगी एक बड़े रूप में सामने आए और जिसका रिजल्ट कुछ दूसरा निकल के आए। तो पूरी तरह से वो इस मामले में माहिर होते हैं और साधने में भी कामयाब होंगे और जिस प्रकार नाराजगी दलित सांसदों में चल रही है उनको मैं समझा बुझाकर वो शांत करने में जरूर कामयाब होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से बात करेंगे और साथ ही इसके बाद में बैठक करने के बाद में अमित शाह सीएम आवास भी जाएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर करीब सुबह करीब 11:30 या फिर 12 बजे तक पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जिसके बाद में बैठकों का दौर चलेगा और उसके बाद में शाम को वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।